नमस्कार साथियों, जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, इंडोनेशिया फुटबॉल क्रश। बहुत ही दुख भरी न्यूज़ है, इंडोनेशिया फुटबॉल ट्रेजेडी, डेथ टोल आफ्टर राइट्स रिवाइज टू 125 एंड मोर देन 100 इंजर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये 1 अक्टूबर 2022 की न्यूज़ है, इंडोनेशिया फुटबॉल क्रश। जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की लार्जेस्ट सिटी है, वहाँ पे एक फुटबॉल मैच हो रहा था एरेमा एफसी, ये एक टीम थी, और परसेबाया सोराबाया, ये दो टीम के बीच में मैच हो रहा था। और एरेमा एफसी जैसे ही मैच हारती है तो उसके सपोर्टर्स ग्राउंड में आ जाते हैं और दोनों सपोर्टर्स के बीच में झड़प हो जाती है, और जिसमें लगभग अब तक 174 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ये काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है इंडोनेशियन फुटबॉल हिस्ट्री से। इसके अलावा 1964 में 320 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जब पेरू अर्जेंटीना ओलंपिक क्वालिफायर का मैच हो रहा था और वहाँ पर दोनों के सपोर्टर आपस में भिड़ पड़े, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट फुटबॉल डिज़ास्टर है। इसी तरह का डिज़ास्टर इंडिया में 1980 में हुआ, 16 अगस्त 1980 में मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल का फुटबॉल मैच हो रहा था और वहाँ पे भी दोनों के सपोर्टर आपस में भीड़ पड़े, जिसमें तकरीबन 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और उन्हीं की याद में 16 अगस्त को फुटबॉल लवर्स डे भी मनाया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, और फुटबॉल हिस्ट्री का बहुत ही वर्स्ट डिज़ास्टर है। और आइए अब इंडोनेशिया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इंडोनेशिया कंट्री कहाँ पे है, वर्ल्ड मैप पे इसकी लोकेशन कहाँ पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स, देन वी हैव एशिया, अफ्रीका, साउथन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरोप। इंडोनेशिया साउथ एशियन कंट्री है। साउथ एशियन मीन्स इसकी लोकेशन एशिया के साउथ पार्ट में है। अगर हम इसके आसपास की कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, और ये नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है एंड साउथ ऑफ चाइना। ये इसकी वर्ल्ड लोकेशन है इंडोनेशिया की। ये बहुत सारे आइसलैंड से मिलकर बनी हुई कंट्रीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस इंडोनेशिया कंट्री की कैपिटल है जकार्ता, जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है। यहाँ पे रिलीजन है इस्लाम, 86.7% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, एंड गवर्नमेंट है यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक की। और इंडोनेशिया ने अपनी आज़ादी किससे ली थी, नीदरलैंड और जापान का यहाँ पे पहले कब्जा था, और उनसे आज़ाद होने के बाद इन्होंने रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इस कंट्री की फॉर्मेशन हुई थी। और ये कंट्री इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच के आइसलैंड से मिलकर बनी है। ये लार्जेस्ट साउथ एशियन कंट्री है, जो हमारा साउथ एशियन पार्ट है यहाँ पे। ये लार्जेस्ट साउथ एशियन कंट्री है, और ये लार्जेस्ट एक्रिपेलेगो, जिसको हम ग्रुप ऑफ आइसलैंड भी कहते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइसलैंड भी इस कंट्री को कहते हैं। और जो इंडोनेशिया है वो फाउंडिंग मेंबर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, ईस्ट एशियन समिट, D8 एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसके अगर हम लार्जेस्ट आइसलैंड की बात करें तो सुमात्रा, जावा, कालीमंथन एंड सुलावेसी, और इसका न्यू ग्योना, ये कुछ इसके लार्जेस्ट आइसलैंड है। और हमारे पास इसमें अंडमान सी, ये अंडमान निकोबार का सी है, और साउथ चाइना सी को कौन सा स्टेट जोड़ता है, स्टेट ऑफ मलेका, ये स्टेट ऑफ मलेका है। इसकी लोकेशन कहाँ पे, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है और मलेशिया के बीच का रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मलेका।
तो ये थे कुछ इंडोनेशिया से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।